शिवपुरी जिले के पोहरी में बुधवार को कोर्ट के आदेश पर पोहरी एसडीएम की कार की कुर्की की गई है। दरअसल वर्ष 2019 में कोर्ट ने पोहरी एसडीएम को एक किसान को जमीन का मुआवजा देने का आदेश जारी किया था, लेकिन कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं हो सका था। ऐसे में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए 19 दिसंबर 2022 को एसडीएम ऑफिस की संपत्ति कुर्क कर पीड़ित को राशि अदा करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट अमीन को ये कार्रवाई 3 दिन के भीतर करनी होगी। कोर्ट के आदेश के पालन में आज पोहरी एसडीएम की कार की कुर्की की गई है। सिंचित जमीन को असिंचित बताकर दिया मुआवजा। दरअसल ये पूरा मामला 2014-15 का है, जब अपार काकेटो डैम के निर्माण के कारण बुड़दा गांव के किसान सतचरण ठाकर की सिंचित जमीन डूब गई थी, लेकिन तत्कालीन एसडीएम पोहरी और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर ने संत चरण ठाकर की जमीन को असिंचित बताकर मुआवजे का वितरण कर दिया, जिसके विरुद्ध किसान संत चरण ठाकर ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर उचित मुआवजे की मांग की है। कोर्ट ने संचरण की जमीन को सिंचित माना और एसडीएम को किसान संत चरण ठाकर को मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया है, लेकिन एसडीएम द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने एसडीएम ऑफिस की संपत्ति कुर्की कर किसान को मुआवजा अदा करने का आदेश दिया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। निवासी ग्राम बुर्दा जो जो आज एसडीएम कार्यालय में जो कार्यालय की जो सामग्री है, जैसे गाड़ी का जो कुर्कीकरण किया गया है, इसके संबंध में किया गया, पूरा मामला क्या है? हमने सर इसमें 2013 में केस लगाया था, डूब चक्र से संबंधित हमारी जमीनें चली गई थी, जिसको मैंने पीएचई विभाग ने क्या कर दिया था, तो जो सिंचाई विभाग होता है असिंचित कर दिया था, मतलब सिंचित जमीन को मैंने एक बोर पर जिस पर 8 बीघा जमीन थी हमारी, उसमें से 3 बीघा सिंचित, 5 बीघा सिंचित का मुआवजा बना करके और नदी किनारे की पूरी जमीन असिंचित, मतलब इस तरह से हमने उसका केस लगाया। तो वो किस वर्ष में लगाया? मुआवजा ना मिलने के कारण केस लगाया। हाँ, मतलब कम मुआवजा दिया गया हमको, 20,000 रुपये और मिलते, जैसे 80,000 रुपये मिलते वहाँ 60,000 रुपये मिले, मतलब तो उस वजह से हमने केस लगा दिया। मतलब लगभग 2014 में लगाया शायद, वो 2014 से आज 2022 में, मतलब इस तरह से आज एसडीएम कार्यालय में एसडीएम साहब की गाड़ी का कुर्की आदेश मेरे नाम, मैं संचरण धाकड़ पुत्र रामलीलाल धाकड़ सनौ रामलीलाल धाकड़ निवासी ग्राम बुर्दा। तो ये कुर्कीकरण के बाद गाड़ी किसके सुपुर्द की गई है? गाड़ी वो एसडीएम साहब ने ये बोला है कि जो है गाड़ी उन्हीं के ड्राइवर को दी गई है सुपुर्दगी में, कि आपका मुआवजे के लिए हम बोलते हैं विभाग से और जो है जल्दी आपका निराकरण करवा देंगे। तो हाईकोर्ट में जो दर्ज की है याचिका, तो उसमें किन किन लोगों की जमीन को असिंचित कर दिया गया है उनके द्वारा? वो तो सर जी बहुत बड़ा गेम था पूरा, वो तो ये मान लीजिए आप, हमारे गांव की लगभग नदी किनारे की पूरी जमीन असिंचित दर्शाई गई। उस समय एसडीएम कौन थे? हमने 27 फाइल लगाई थी, उस समय एसडीएम थे जीएस बघेल साहब, जीएस बघेल साहब एसडीएम थे, और क्या बोलते हैं एक मेहंदी दत्ता थे इंजीनियर, सब उनका कारनामा था, उन्होंने मुद्दे का काम किया था सर जी, उन्होंने मतलब उन्होंने ये मान लो दबंग लोगों का जो है उनकी जमीन सिंचित और हम लोगों गरीब लोगों की सुन लोग असिंचित करके। हमने कारण क्या रहा असंचित करने का सर? कारण क्या है, तालाब बनाने का कारण था उनको, क्या है कि सिंचित जमीन पे आप तालाब नहीं बना सकते सर, कोई और दूसरी मंशा तो नहीं थी उनकी उसके पीछे? मंशा पैसा? हाँ या कोई मंशा दूसरी, पैसों का गबन करने को लेकर, पैसों का गबन करना होगा सर, ये तो अब उनका पर्सनल पता होगा, उनको क्या पता है उन्होंने क्या किया है सर विभाग ने।